नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च, 7 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, फेब्रवरी मंथ के करंट अफेयर्स जो रिवीजन सेशन था उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाइए देख लीजिए। इससे आपको जितना भी फेब्रवरी मंथ में जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारी एक साथ आपको रिविजन हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का। और ये किस राज्य में स्थापित किया है और किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और जिन्हें नहीं पता है ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, असम। असम के मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो पूर्वोत्तर भारत के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला जो है ये पूर्वोत्तर भारत का पहला है ये संकुचित बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र प्लांट है ये। और ये जो परियोजना है इसकी आधारशिला समारोह असम के कामरूप जिले के तहत सोनापुर के डोमोरा पठार में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कामरूप है असम का, कामरूप जिला, वहां पे जो सोनापुर के डोमोरा पठार में इसको जो है स्थापित किया गया, वहां पे ही इसकी आधारशिला रखी गई है। इस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो जो है मुख्यमंत्री कहाँ के दोस्तों, तो ये जो है असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा जी थे। ठीक है, इसकी बात किया जाए, ये जो संयंत्र, इसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम है ये रेड लोमेन टेक्नोलॉजी। जिसको देखा जाए ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो ये एक व्यवसायी पंकज गंगोई और राकेश डोले के द्वारा ये संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस साल यानी कि नवंबर 2023 में ये जो इसका परिचालन, इस संयंत्र का, इस प्लांट का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस प्लांट में, संयंत्र में देखिए ये है कि ये बायोगैस का उत्पादन करेगी। तो यहाँ पे जो है ये जो नगर पालिका के जो ठोस अवशिष्ट होते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, उनका इस्तेमाल करके, जो मवेशी के खाद होते हैं जैसे कच्चे माल का इस्तेमाल करके, ये क्या करेगी, कंप्रेस्ड बायोगैस रिलीज करेगी। कितना दोस्तों, तो ये 5 टन प्रतिदिन उत्पादन जो है इसका करेगी, किसका, संपीड़ित बायोगैस का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा इस प्लांट के बारे में। आइए कुछ अन्य भी तथ्य देख लेते हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है उनमें जो है चीजें चर्चा में थी, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फरवरी 2023 में जो यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गई थी, वो कहाँ की गई थी दोस्तों, गुवाहाटी में किया गया था। ठीक है, वही बात करें असम में है गुवाहाटी, वही बात करें 1 से लेकर के 3 मार्च में दूसरे बिजनेस 2.0 कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, कहाँ हुआ दोस्तों, आइजोल में हुआ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें जो तीसरे वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया दोस्तों, तो जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा जिले के रसोमा गांव में किया गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया, नागालैंड में। नागालैंड में भी कहाँ, जो कोहिमा जिला है उसमें, एक रसोमा गांव है उसमें आयोजित किया गया। तो ये कुछ नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो है फैक्ट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट बेस्ड है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किस राज्य में 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय अपने कैंपस स्थापित करेंगे। तो देखिए ये 2 ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय हैं जो अपना कैंपस स्थापित करने वाले, कहाँ दोस्तों, तो गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वहां पे स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये विश्वविद्यालय है डीकन विश्वविद्यालय और ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है, जो कि ध्यान रखिएगा गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है, ठीक है, गिफ्ट सिटी में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिषद स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की मंजूरी हासिल करने वाला ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो डीकन विश्वविद्यालय है जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, एक जो जिसको देखा जाए कि इससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो है, जो संस्था, उसके द्वारा जो है इसको मंजूरी दे दिया गया है
और ऐसी मंजूरी प्राप्त करने वाला ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जो अपनी अंतरराष्ट्रीय शाखा जो है अंतरराष्ट्रीय शाखा परिषद स्थापित कर रहा है। कहां पे दोस्तों? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में। ये बात करें इसकी जो हस्ताक्षर किया गया है तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो अभी इसी मंथ में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है एंथनी अल्बनेज, उनकी ये भारत की पहली यात्रा होगी, ठीक है, अगले सप्ताह इसी मंथ में। और इसी दौरान जो है दोनों विश्वविद्यालय अपने परिसर स्थापित करने के लिए समझौते पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे जब वहां के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान, ठीक है। यहाँ बात करें कुछ और भी तथ्यों की तो यहाँ पे आपको दिखे जो है तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज रही है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो, ठीक है, स्कॉटलैंड का जो ग्लासगो शहर है वहां पे ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक बनाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश, ये यूनाइटेड किंगडम का भाग है और यहाँ पे ब्रिटिश से इंडिया आर्मी स्मारक बनाया जा रहा है। वही बात करें भारत ने सूडान में, सूडान देखिए कि अफ्रीका ईस्ट में स्थित ये कंट्री है और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैयार जो है तैनात किया है। तो ध्यान रखिएगा भारत ने किस कंट्री में, सूडान में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत जो है महिला शांति सैनिकों की एक पलटन लगाया है। वही बात करें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की बात करें तो दुबई में आयोजित किया जा रहा है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? दुबई में, ठीक है। तो ये था हमारा जो है कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था उसको देखिए। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने युवा पेशेवर योजना शुरू की है? तो युवा पेशेवर, जो युवा है वो पेशेवर की तरह जो है कार्य कर सकते हैं उस देश में, और ये योजना शुरू करने वाला जो कंट्री है वो है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो यूके की सरकार है, यूनाइटेड किंगडम की सरकार है, उन्होंने अभी देखिए हाल ही में एक योजना शुरू किया है जिसका नाम है युवा पेशेवर योजना। अब बात करेंगे ये योजना है क्या, क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो इस योजना के तहत देखा जाए जो भारतीय जो नागरिक हैं जो 18 से लेकर के 30 साल जिनकी आयु है वो क्या कर सकते हैं, यूके में जा सकते हैं, यानी कि ब्रिटेन में जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा यूके, ब्रिटेन में जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं 2 साल तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस योजना के लाभों में देखा जाए तो लाभ उठाने के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ शर्तें रखी गई हैं कि पहला तो वो व्यक्ति जो 2 साल के लिए ब्रिटेन में जा सकता है, वहां रह सकता है, वो पहली बात तो भारतीय होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 18 से लेकर के 30 वर्ष होनी चाहिए, और उसके पास जो बचत है, जो सेविंग है, वो कितनी कम से कम होनी चाहिए, 2350 पाउंड कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे बात करें ये जो योजना के माध्यम से जो भारतीय नागरिक वहां पे प्रवेश करेंगे इन निम्न शर्तों को पूरा करने के बाद, वो व्यक्ति वहां पे देखिए रोजगार यहाँ पे जो है कार्य कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, अपनी कंपनी में स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो योजना की जो है ये योजना परिवार के सदस्यों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि परिवार के अन्य सदस्य भी इससे लाभान्वित होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ वही व्यक्ति जो इनको इन शर्तों को पूरा कर रहा है। योजना देखिए क्या कह रही है, ब्रिटेन में रहकर के, यूनाइटेड किंगडम में नहीं, यूनाइटेड किंगडम एक ब्रॉड है कॉन्सेप्ट, देखा जाए पूरा ब्रॉड भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन हम जब ब्रिटेन की बात करते हैं तो उसमें कुछ क्षेत्र नहीं आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो योजना है, ठीक है, युवा पेशेवर योजना, ये जो यूके की सरकार के द्वारा जारी किया गया, लॉन्च किया गया है, ये जो ब्रिटेन के, ब्रिटेन में रहने के लिए जो है, ब्रिटेन के लिए एक तरीके से है, तो ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, यानी कि यहां से जाने वाले लोग ब्रिटेन में ही रहकर के काम कर सकते हैं। आइए बात करेंगे ब्रिटेन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है यूनाइटेड किंगडम का दोस्तों, अगर बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की तो उसमें देखिए इंग्लैंड ब्रिटेन के नाम जो है समान नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग है, ये नाम समान नहीं है, इनके भौगोलिक क्षेत्रों की कुछ निरूपित करते हैं, यानी कि इसमें विभिन्न कुछ भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूके, यूके क्या है, एक ऐसा देश है जिसे देखिए कौन कौन, यूनाइटेड किंगडम यानी कि कई सारे किंगडम मिलकर यूनाइट हो रहे हैं, तो कौन कौन से किंगडम है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। ध्यान रखिएगा ये जितना भी क्षेत्र है, जैसे कि ये आपको इंग्लैंड दिख रहा है, ये वेल्स दिख रहा है, ये स्कॉटलैंड दिख रहा है, और ये आयरलैंड का जो नॉर्थर्न पार्ट है यानी कि नॉर्थ आयरलैंड, ये सारे क्षेत्र मिलाकर के क्या कह रहे हैं हम, यूनाइटेड किंगडम कह रहे हैं। लेकिन जब हम ब्रिटेन की दोस्तों बात करते हैं तो ब्रिटेन में जो है ये क्या होता है, ये उत्तरी आयरलैंड वाला क्षेत्र शामिल नहीं होता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स ये तो होते हैं लेकिन उत्तरी आयरलैंड वाला क्षेत्र नहीं शामिल होता है। इसीलिए जो ये योजना के तहत जो पेशेवर जाएंगे यूनाइटेड किंगडम में वो क्या कर सकते हैं, इस नॉर्दर्न आयरलैंड में कार्य नहीं कर सकते, बाकी कहीं भी वो अपने पेशे को क्या कर सकते हैं, पेशे मतलब अपने पेशा स्टार्ट कर सकते हैं।
तो जब हम ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स है, इसमें उत्तरी आयरलैंड जो है नहीं शामिल है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम में क्या है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रिटेन में कौन से भाग आते हैं, तो देखिए नॉर्थ आयरलैंड को छोड़कर के वेल्स, स्कॉटलैंड और अगर बात करें किसकी, इंग्लैंड, ये तो है। अगर पूरे यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं तो उसमें देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, ये पूरे भाग आ जाते हैं, ठीक है। वहीं पे जबकि इंग्लैंड में बात करें तो इंग्लैंड में देखिए स्कॉटलैंड, ठीक है, या फिर वेल्स, या क्या बात हो, या फिर आयरलैंड शामिल नहीं है, ठीक है। इसीलिए यह योजना उत्तरी आयरलैंड में नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कुछ जो है विवाद है। दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे जो है ब्रेग्जिट के बाद से भी काफी विवाद रहा है, तो ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को लेकर के आपस में कुछ भौगोलिक क्षेत्र को लेकर के विवाद है, जिसकी वजह से ये योजना जो है उत्तरी आयरलैंड में नहीं लागू है, ठीक है। तो ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम में पूरे भाग में नहीं है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है मैप था, मैप बेस्ड प्रश्न था, काफी इंपॉर्टेंट था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस रोग के इलाज के लिए प्रोटॉन बीम थेरेपी संबंधित है? तो देखिए किस रोग के इलाज के लिए ये प्रोटॉन बीम थेरेपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पीसेस वगैरह में बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्रोटॉन बीम थेरेपी जो कि कैंसर के रोग के लिए जो है ये इस्तेमाल की जाती है। आइए बात करते हैं। देखिए ये प्रोटॉन जो थेरेपी होती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोटॉन बीम थेरेपी भी कहा जाता है, और ये क्या है, एक तरीके का रेडिएशन चिकित्सा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस थेरेपी में क्या किया जाता है, देखिए जनरली जो कैंसर के इलाज के लिए जो एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है, इस थेरेपी में क्या किया जाता है कि एक्सरे की जगह क्या किया जाता है, प्रोटॉन का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटॉन का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर प्रोटॉन की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, एक धन आवेशित कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये सब ठीक है एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, ठीक है। इसकी बात करें तो अगर देखें ये उच्च ऊर्जा पर, ये जो प्रोटॉन होते हैं ये उच्च ऊर्जा पर क्या करते हैं, ये जो प्रोटॉन ये कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनको क्या करते हैं, कैंसर सेल को क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। ये अगर हम बात करें एक्सरे जो होती है, जिस तरीके से एक्सरे किरणों की तरह प्रोटॉन थेरेपी भी जो है एक तरह की बाहरी किरण विकिरण चिकित्सा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो थेरेपी कहाँ कहाँ होती है, तो हम देखें अगर पूरे दक्षिण और पश्चिमी एशिया की बात करें, पूरे साउथ और ये जो है वेस्ट एशिया की बात करें, तो इसमें बस एक ही जगह है अपोलो हॉस्पिटल, वहां पे ही जो है ये सुविधा है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए दक्षिण, पूरे दक्षिण और पूरे एशिया में जो है ये आप देखा जाए प्रोटॉन बीम थेरेपी जो है एकमात्र सुविधा वाला केंद्र कहाँ है, अपोलो हॉस्पिटल। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा अमेरिका में जो है इसके केंद्र, लगभग देखा जाए प्रोटॉन बीम थेरेपी की जो है वो 42 मशीन है अमेरिका में, इसके बाद यूरोप में 35 है, फिर जापान में, फिर चीन में, जबकि भारत में क्या है केवल एक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, देखिए भारत में जो है इतनी बड़ी आबादी वाला देश और यहाँ पे थेरेपी के लिए सिर्फ एक केंद्र, तो इसके वजह से बहुत सारी चुनौतियां सामने आ रही है। अब एक केंद्र होगा तो एक तो होड़ बहुत मची रहेगी, दूसरा क्या होगा उसका जो है दाम काफी ज्यादा, एक तरीके से जो खर्च आएगा उस थेरेपी के दौरान वो बढ़ जाएगा। तो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है जो बीम थेरेपी है, ठीक है, प्रोटॉन बीम थेरेपी, इसके मामले में भारत में कैंसर रोगियों को क्या करना पड़ रहा है, दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कौन सी दोहरी चुनौतियां हैं, दो चुनौतियां कौन सी, एक तो इसके केंद्र पर्याप्त नहीं है, हमने देखा कि एक ही जगह केंद्र है। दूसरी बात करें जब केंद्र पर्याप्त नहीं है डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो जो उस पर लागत आ रही है उपचार की वो क्या कर जा रहा है, लाखों रुपए में चला जा रहा है, जो हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता, जिस कारण से यहाँ के नागरिकों को दोहरी जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो देखिए कैंसर्स भी काफी जो है इस समय बहुत तेजी से, मैं कई लोगों का इधर भी सुनी हूँ बहुत से लोगों का, तो कैंसर डिजीज भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है जब इसके लिए थेरेपी भी लोगों की डिमांड बढ़ेगी और उसका क्या है सेंटर भी कम है, जिस कारण से जो है ये अभी हम बीम थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कैंसर के इलाज से रिलेटेड है। चलिए आप मुझे बताइए कि कैंसर के इलाज के लिए और किस जो है थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कई बार कैंसर के इलाज के लिए आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप मुझे कैंसर के इलाज के लिए और किस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है 2023 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, ऋषिकेश में किया गया, उत्तराखंड के। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो आयोजन किया गया है वो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने किया है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ठीक है, गंगा घाट पे, ठीक है, जो गंगा तट है वहां पे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का क्या किया गया, आयोजन किया गया है।
इसके जो शुभारंभ जो किया गया है वो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी उनके द्वारा किया गया। इस महोत्सव की बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की तो 1 तारीख से शुरू है, ये 7 मार्च तक चलेगा, यानी कि आज इसका आखिरी दिन है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें इसमें जो है 1 मार्च को जब इसके आयोजन शुरू हुआ था तो 1 मार्च को मुनि की रेती स्थित JMVN गंगा रिजॉर्ट के निकट योग घाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के लिए एक भव्य क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, समारोह का आयोजन किया गया था। और इस समारोह में देखा जाए जो विश्व विख्यात जो योगाचार्य है, जो योग शासक है, उन्होंने क्या किया, योग साधक है, उन्होंने क्या किया, इसका मार्गदर्शन किया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है 2023 ये कहाँ पे, ऋषिकेश में हुआ। चलिए आप मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। आइए उसके पहले बात कर लेते थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में। दोस्तों उत्तराखंड जिसे हम कभी उत्तरांचल के नाम से जानते थे, इसकी बात करें तो ये 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है यानी कि उत्तरांचल जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो देखा जाए उत्तरांचल जो है ये 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बना। आगे जाकर के सन 2007 में यानी कि 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल करके क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो इसकी 2 राजधानी है, शीतकालीन राजधानी जो कि देहरादून है और गैरसैंण जो कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के विधानमंडल की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे एक सदनीय विधानमंडल है यानी कि सिर्फ विधानसभा है। कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। और संसदीय क्षेत्र की तो राज्यसभा में इसकी 3 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 5 सीटें हैं। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की देखें तो इसकी देखें 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और बाकी कुछ राज्यों से लगने वाली सीमा है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे आपको चाइना दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको नेपाल दिखेगा। उत्तराखंड की देखा जाए सीमा देखा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और चूंकि उत्तर प्रदेश से तो ये अलग ही हुआ है, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। कुछ अन्य भी तथ्य देख लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में है। जैसे कि अभी आपको पता है 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और 74वें गणतंत्र दिवस के दौरान जो कर्तव्य पथ है उसमें झांकियां निकाली जाती हैं। तो जितने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां निकली थी उसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था यानी कि सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार, ठीक है, सबसे झांकी का पुरस्कार वो मिला था, उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार मिला था। दूसरे स्थान पर बात करें तो झांकी जो थी वो महाराष्ट्र की थी और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड ने अपने झांकी में देखिए क्या प्रदर्शित किया, सबसे पहले तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में दिखाया था, ठीक है। ये वही बात करें जो उत्तराखंड का एक जो है सुरकंडा देवी में डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जा रहा है। तो सुरकंडा देवी में डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया गया है कहाँ, उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ अन्य भी तथ्य थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि भारत और किस देश ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता हेतु एक ढांचागत तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो योग्यताओं के पारस्परिक मान्यता मतलब जो योग्य लोग हैं वो एक तरीके से एक स्थान मतलब एक देश से दूसरे देश जा सके, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो बात किया गया है ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ये हस्ताक्षर हुआ है ये योग्यताओं के पारस्परिक मान्यता के लिए। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो जो योग्यकर्ताओं के पारस्परिक मान्यता हेतु एक ढांचागत तंत्र पर हस्ताक्षर किया और ये जो जो तंत्र होगा ये दोनों देशों के बीच जो छात्र हैं जो पेशेवर हैं उनकी जो आवाज आई यानी कि अगर कोई छात्र कोई पेशेवर ऑस्ट्रेलिया जा रहा ऑस्ट्रेलिया के कोई लोग अगर भारत आ रहा है तो उनके बीच में जो आना जाना एक तरीके से क्या होगा आवाजाही को क्या कर सकेगा ये आसान बना सकेगा, ठीक है। ये जो हस्ताक्षर किया गया ये जो समझौता हुआ है वो भारत के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के जो शिक्षा मंत्री है श्री जैसन क्लेयर उनके बीच में देखिये नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई थी उसी बैठक के दौरान जो है ये हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। इस समझौते की जो रूपरेखा दोस्तों तैयार की गई थी या फिर इसके प्रति जो प्रतिबद्धता जताई गई थी तो याद होगा आप लोगों को पिछले साल यानी कि मार्च 2022 की बात है जो है दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें दोनों देशों के जो लीडर हैं जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वर्चुअल रूप से जो है
एक सम्मेलन किया और इसी सम्मेलन के दौरान ये जो है ये जो समझौता है इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी या फिर कह सकते हैं इसके प्रति प्रतिबद्धता जो है दर्शाई गई थी। ठीक उसी के बाद से ये चीज है। इसके तहत देखा जाए दोनों जो है देशों की योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता के लिए एक संयुक्त कार्यबल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। ठीक है तो ये चीज चर्चा में है। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको दिख रहा है, ये फिजिकल मैप है और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है देखिए ऑस्ट्रेलिया जिसकी बात करें यहाँ पे देखिए ये पॉलिटिकल मैप माफ करिएगा और ये देखिए आपके सामने फिज जो है राजधानी बात करें तो ये देखिए कैनबरा, कैनबरा जो है इसकी राजधानी, कई लोग सिडनी कई लोग ब्रिस्बेन समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा इसकी जो राजधानी है कैपिटल है वो है कैनबरा। वहीं बात करें इसकी जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। यहाँ के जो राज्य के प्रमुख की बात करें जो कि एक नाम मात्र है तरीके से सिंबॉलिक टाइप के हैं तो ये ब्रिटिश सम्राट देखिए इस समय कौन है, किंग्स चार्ल्स तृतीय है। ठीक है किंग्स चार्ल्स तृतीय है। यहाँ के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज है। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जो शहर है सबसे ज्यादा शहर वो देखिए यहाँ पे आपको ब्रिस्बेन दिख रहा है, सिडनी दिख रहा है, कैनबरा तो है, मेलबर्न है। ठीक है यहाँ पे अगर हम बात करें एडिलेड है और यहाँ पे बात करें देखिए पर्थ। आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा जो है शहर वो वेस्ट पे स्थित है, देखिए पर्थ एकमात्र है जो कि पर्थ बहुत ही ज्यादा जो है काफी ज्यादा डेवलप ये सिटी है। ठीक है तो पर्थ जो है वो इसके वेस्ट में स्थित है। ठीक है यहाँ पे आपको देखिए बास स्ट्रेट है जो कि बास स्ट्रेट की बात करें ये भी ऑस्ट्रेलिया के पास में है। ठीक है जो कि पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से क्या कर रहा है दोस्तों कनेक्ट कर रहा है और यहाँ पे आपको तस्मानिया दिख रहा है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है जो है अमेरिका माफ करेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए टोरस स्ट्रेट है जो कि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। किसको कनेक्ट कर रहा है टोरस, तो तिमोर सी को पैसिफिक ओशन से जो है वो कनेक्ट कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा बैरियर रीफ देखिए ध्यान रखिएगा कौन सा है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कहाँ स्थित है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में स्थित है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो ऑस्ट्रेलिया के मैप को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, लगातार चर्चा में भी है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का दौरा भी होने वाला है भारत में तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया। तो बोडोलैंड जिनको पता होगा कहाँ है वो इजिली इसका आंसर कर सकते हैं कि बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो असम में किया गया। दोस्तों देखिए असम हम दो बार पढ़ रहे हैं तो ये जो पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है इसका आयोजन असम में किया गया। ठीक है ये पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव था। इसकी बात किया जाए तो आयोजन किया गया है ये बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार के समर्थन से बोडोलैंड विश्वविद्यालय ने पहले बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया है। ठीक है तो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार के समर्थन से किया गया है। ठीक है किसके द्वारा, बोडोलैंड विश्वविद्यालय के बारे में इसके बारे में बात किया जो ये जो आयोजन किया गया है पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव तो ये ज्ञान के आदान प्रदान के लिए किया गया है, उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है असम में कोकराझार, उसी में जो है इसका आयोजन किया गया। समारोह में देखा जाए मुख्य अतिथि की बात कीजिए कौन थे, तो ये बांग्लादेश के प्रोफेसर है मोहम्मद यूनुस। ठीक है यहाँ पे SECMOL के जो संस्थापक है, ठीक है सेकमोल के जो संस्थापक है, ठीक है सोनम वांगचू वो थे। वही असम विधानसभा के जो अध्यक्ष है कौन, विश्वजीत देमारी, ये लोग जो थे ये इस सम्मेलन के इस जो है इसके मुख्य अतिथि थे। यहाँ पे बात करें ये जो समकालीन बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों क्या है एक तरीके से, तो ये जो समकालीन जो है बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र और दुनिया में सामाजिक विकास प्राथमिकताओं और प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों 2030 की उपलब्धि बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का विषयगत क्षेत्र रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका क्या विषयगत क्षेत्र था ये जो महोत्सव था, तो एक तो समकालीन जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के समय जो जो चीजें हैं, दूसरा देखा जाए इस समय जो सामाजिक विकास प्राथमिकताएं हैं दुनिया के लिए वो, सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि, ये सब क्या था, इन सब विषयों पर लेकर के ज्ञान का आदान प्रदान किया गया। बात करें इसमें कौन से लोगों ने भाग लिया, तो यहाँ पे पूरे भारत से देखा जाए 300 अधिक से जो है प्रतिनिधियों ने और साथ ही साथ 14 देशों के लगभग 35 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बोडोलैंड की बात की जाए दोस्तों तो ये एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया, ठीक है डिस्ट्रिक्ट।
यहाँ पे बात करें इसमें कौन कौन से जिले इस क्षेत्र में जो आते हैं, ठीक है, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में, तो असम के यहाँ पे चार जिले, यानी कि कोकराझार, बक्सा, ठीक है, और यहाँ पे उदलगुरी और सिरांग जिले जो है ये बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले का गठन करते हैं। और ध्यान रखिएगा यह कई जातीय समूहों का निवास स्थान भी है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर साइड में ये स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, तो कोकराझार, बुक्सा, उदलगिरी, चिरांग। आपसे इसमें निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल नहीं है, तीन ऑप्शन तो इसी में से दे देगा, एक ऑप्शन कोई और गुवाहाटी ऑप्शन कर देगा, तो वो आपके लिए करेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से करिए चीजों को, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ, असम में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की, कि निम्न में से किस राज्य के पुष्पगिरी क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज हुई है। तो कौन सा ये क्षेत्र है, पुष्पगिरी क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में जो जिला है कडप्पा जिला के वल्लूर मंडल में, ये पुष्पगिरी क्षेत्र में एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के ऊपर एक दुर्गा मंदिर है, और उस दुर्गा मंदिर के उत्तर पूर्व में कुछ जंगल जैसे जंगल है, और उस जंगल जो जो काफी घने जंगल है, उसी जंगल में 13वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं, ठीक है। इस पहाड़ी की बात कीजिए, जिस पहाड़ी पे मिले हैं उसको पुष्पांचल पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है, और ये पहाड़ी जो कि बहुत सारे जो है मंदिरों का यहाँ पे श्रृंखला है, ठीक है, जैसे हिंदू देवता जैसे कि चेन्नाकेशव, ठीक है, उमा महेश्वर, रुद्रपद, विष्णुपद, यहाँ पे त्रिकुटेश्वर, बैद्यनाथ, ठीक है, सुब्रमण्यम, यहाँ पे बात करें सुब्रमण्य, ठीक है, विघ्नेश्वर और दुर्गा मंदिर को समर्पित मंदिरों की कई सारी श्रृंखलाएं जो है स्थित है इस पुष्पांचल, ठीक है, पहाड़ी पर। यहाँ पे पुष्पगिरी को बात करें दोस्तों तो एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तो इसे देखिए हरिहर क्षेत्र कहा जाता है, हरि का क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि यहाँ शिव और विष्णु दोनों के लिए जो है दोनों को समर्पित मंदिर यहाँ पे, इसलिए इसको हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे जो खंडहर है जो मिले हैं ये मंदिर के अस्तित्व, खंडहर की जो स्थापत्य विशेषताओं की बात किए रहे तो ये वेल्लूर में एक मंदिर के समान जो है एक शैली दिखाती है, ठीक है। ये जो है जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये 13वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में कायस्थ राजाओं का जो है शासन चलता था उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। कायस्थ के शासकों की बात करें तो ये काकतीय वंश के शासकों के अधीनस्थ थे, जो कायस्थ थे, जो काकतीय वंश थे उन्हीं शासकों के अधीन ये शासन करते थे, और इनकी जो राजधानी थी वो वल्लूर थी, और इसी वल्लूर में देखिए ये हमें मिला है, जो वल्लूर मंडल है कडप्पा जिले का जो कि आंध्र प्रदेश में, वहां पे ही ये 13वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर के हमें अवशेष देखने को मिले हैं। चलिए आइए कुछ अन्य भी तथ्य हम देख लेते हैं जो इनके इंपॉर्टेंट है। देखा जाए आंध्र प्रदेश में, देखा जाए जो वहां की सरकार है उसने 20 केंद्रों पर पर्यटन स्थलों का क्या किया है, पर्यटन स्थानों का उद्घाटन किया है। वही बात करें देखिए एक श्री कृष्ण मंदिर है जिसको हम क्या कहते हैं, श्री कृष्ण मंदिर, यहाँ पे जो है इरंजाद पिल्ली जो कि केरल का ये मंदिर है, और ये केरल के मंदिर में देखा जाए दोस्तों जो मंदिर में अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठान कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक रोबोटिक हाथी लगाया गया है, और रोबोट हाथी को शामिल करने वाला ये भारत का पहला मंदिर बन गया है। तो ये श्री कृष्ण मंदिर की बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इरंजाद पिल्ली जो कि केरल में है वहां पे जो है रोबोटिक हाथी लगाया गया है, और ऐसा ये पहला मंदिर बना है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि उस जो है जो लगाया गया है वो हाथी, रोबोटिक हाथी, उसका क्या नाम है, उसको भी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। चलिए और आज के हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस कंपनी ने लाल, ठीक है, यहाँ पे लामा नामक एक नया AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज जनरेटर जारी किया है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है जो एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज, जैसे कि चैटबॉट हम लोगों ने बात किया था उसी तरीके का ये भी है, और ये मेटा के द्वारा, ठीक है, ठीक है, जिसकी पेरेंट कंपनी कौन है, फेसबुक। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेटा ने, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा AI, ठीक है, लामा, ध्यान रखिएगा इसका एक इसी नाम से एक AI यानी कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज जनरेटर लॉन्च किया है, ठीक है। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है दोस्तों, ये फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग, और इन्होंने बताया कि जो मेटा प्लेटफॉर्म द्वारा जो है मार्क जुकरबर्ग ने मेटा प्लेटफॉर्म द्वारा, ठीक है, लामा यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा AI नामक एक नए बड़े भाषा मॉडल के शोधकर्ताओं के लिए जारी करने की घोषणा की, जो रिसर्च से रिलेटेड है उनके लिए। मेटा की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो मेटा के जो टीम है एक जिसका नाम है फंडामेंटल AI रिसर्च, ठीक है, जिसे फेयर कहते हैं, फेयर टीम के द्वारा ये विकसित किया गया, ठीक है। तो ये जो विकसित किया गया ये जो मॉडल है उसका उद्देश्य क्या है, जो वैज्ञानिक है, जो रिसर्चर्स हैं,
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोग है, जो कार्य है, उन कार्यों की खोज में सहायता करना, वही इसका मेनली क्या है उद्देश्य है। जैसे कि क्या क्या सहायता कर सकता है, तो कोई भी अगर सवाल है तो उसका जवाब दे सकता है, दस्तावेजों को क्या करता है सारांशित कर सकता है, यही हेल्प करेगा। अगर हम बात करें जिस समय से, जब से टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात किया जाए, जब से उसमें चैट जीपीटी आया है, उसके आने के बाद देखा जाए अलग अलग कई सारी कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल क्या किया है, पेश किया है। जैसे कि अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल ने जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज पेश किया उसका नाम है बार्ड। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक लैंग्वेज मॉडल पेश किया है जो कि एआई पर काम करता है, क्या नाम है, प्रोमेथस। ठीक है, ये जो है प्रोमेथस माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और गूगल के द्वारा जो है बार्ड जो है पेश किया गया है, जो कि लैंग्वेज मॉडल है और किस पर काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। तो ये कुछ अन्य भी तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कर्नाटक ने किसे हरा करके संतोष ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड है, और किसको हरा करके जीता है कर्नाटक ने, तो ध्यान रखिएगा ये मेघालय को हरा करके। ठीक है, आइए, पहली बार मेघालय सेमीफाइनल में पहुंचा दोस्तों। तो जैसा कि ये जो फाइनल मैच हुआ है संतोष ट्रॉफी का, ये हुआ है 5 मार्च को, और ये सऊदी अरब की जो राजधानी रियाद में, वहां पे स्टेडियम है किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम, वहां पे ये फाइनल मैच खेला गया है। फाइनल मैच में बात करें तो कर्नाटक ने 3-2 से मेघालय को हरा करके इस ट्रॉफी को जो है 74 वर्षों के बाद जो है पहली बार जीता है। काफी लंबे समय के बाद जो है कर्नाटक ने ये ट्रॉफी जीती है, किसको हरा करके दोस्तों, तो मेघालय को हरा करके। फाइनल मैच कहां खेला गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम कहां है, रियाद में है। रियाद का ये यूएई संयुक्त यह जो सऊदी अरब की राजधानी है। कर्नाटक के लिए बात करें तो यह पहली ट्रॉफी है जिसने अपने 74 साल के अंतराल, देखिए कब उसके बाद जीता है, 1968 से 69 के बाद ये जीता है। ये मैसूर रियासत के रूप में 4 बार जो है जीत हासिल की है। मेघालय की बात किया जाए दोस्तों, तो मेघालय भी जो है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा है, तो ये उप विजेता रहा है दूसरे स्थान पे। वही बात करें तीसरे स्थान पे, जो फाइनल से पहले जो एक प्ले मैच खेला गया था, प्ले ऑफ मैच, उस प्ले ऑफ मैच में जो सर्विसेज ने पंजाब को हरा दिया था 2-0 से 2-0 से, और हरा करके जो है तीसरा स्थान हासिल किया था। तो पहले स्थान पे कर्नाटक रहा, दूसरे स्थान पे मेघालय, तीसरे स्थान पे सर्विसेज। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे संतोष ट्रॉफी से, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। पूछा जाता है ट्रॉफी के नाम दे देता है और आपसे पूछ देता है भाई ये किससे रिलेटेड है। चलिए कुछ अन्य भी हम तथ्य देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जो है जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं कौन, शुभम गिल। ठीक है, ये सबसे युवा क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में क्या किया है, शतक लगाया है। वहीं बात करें बेल्जियम को हरा करके हॉकी विश्व कप 2023 जीता किसने, जर्मनी ने जीता, 17 साल के बाद जीता था, तीसरा इसका हॉकी कप जो है था। कहाँ हुआ था दोस्तों, ये कलिंगा स्टेडियम में हुआ था, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, भुवनेश्वर में है। ठीक है, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। वहीं बात करें 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती किसने, तो ये केरल विश्वविद्यालय ने जीती थी। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम एज ए करंट अफेयर के रूप में डिस्कस किए। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सबसे पहले बात करेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो प्रधान निदेशक नियुक्त किए गए हैं, क्या नाम है, राजेश मल्होत्रा। ठीक है, राजेश मल्होत्रा की बात करें तो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वही बात करें गोदरेज इंडस्ट्री ने अपना रसायन व्यवसाय के CEO के रूप में नियुक्त किया है किसे दोस्तों, विशाल शर्मा को। वही एशिया प्लेयर शतरंज महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, डी गुकेश को। ठीक है, अगला है हमारा कि पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है किसने, दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, वही आज का आखिरी हमारा फैक्ट ऑफ द डे है कि 2023 के क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे राष्ट्र के रूप में जो है उभरा है वो कौन दोस्तों, भारत। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसके द्वारा हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है, कुछ मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछा है, उम्मीद है आप लोग उसका आंसर करेंगे। बाकी जो है सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करें आप लोग, और जैसा कि करंट अफेयर्स जो फरवरी मार्च का है जो फरवरी का था, उसकी मैंने एक कंपाइलेशन वीडियो आप लोग को जो है यूट्यूब पे प्रोवाइड की है, आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जाइए, उससे आपका पूरा फरवरी मंथ का जो है रिविजन हो जाएगा।
बाकी डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इसका कोई भी जो है इफ और बट नहीं है, ना कोई शॉर्टकट है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।